फादर्स डे। गट्टू और चिंकी आज बहुत टेंशन में थे क्योंकि उनके बनाए हुए सभी प्लान्स पर पानी फिर गया था। इस बार फादर्स डे वाले दिन ही पापा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था और इसी बात से दोनों काफी परेशान थे। अब हम क्या करेंगे चिंकी, हमने तो कितने सारे प्लान्स बनाए थे कि पापा को कैसे सरप्राइज करना है। हाँ गट्टू, पर अब तो पापा को ऑफिस जाना है, वो सुबह जल्दी जाएंगे और रात को भी लेट आएंगे। तभी मम्मी उनके रूम में उन्हें स्नैक्स देने आती है। मम्मी उन दोनों को दुखी देखकर पूछती है, अरे गट्टू चिंकी, आज तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम लोग बाहर जाकर खेल भी नहीं रहे हो और रोज की तरह मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हो। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी को पूरी बात बता देते हैं। ओहो बच्चों, तो ऐसी बात है, पर इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पापा को सरप्राइज दे सकते हैं। सच में मम्मी? हाँ मम्मी, हमें भी बताओ ना वो आइडिया क्या है। क्यों ना तुम लोग पापा के लिए एक बड़ा सा हैंडमेड फादर्स डे का कार्ड बनाओ और मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ के उनके ऑफिस के बैग में वो कार्ड रख दूंगी। फिर जब वो ऑफिस में अपना बैग खोलेंगे तो उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज मिलेगा। अरे वाह मम्मी, ये तो सचमुच बहुत अच्छा आइडिया है। चिंकी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें एक सुंदर सा कार्ड बनाना है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी जल्दी से सारा क्राफ्ट का सामान ढूंढकर एक जगह रखने लगते हैं। फिर मम्मी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। फिर गट्टू और चिंकी कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं। देखो गट्टू, सबसे पहले हम इस बड़े से चार्ट को एक साइड पर फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। हाँ, और हमें यहाँ पर हैप्पी फादर्स डे लिखना चाहिए। अरे नहीं गट्टू, यहाँ पर तो मैं कार्टून का स्टिकर लगाऊंगी। नहीं चिंकी, भला यहाँ पर वो स्टिकर अच्छा लगेगा क्या? हम लोगों को तो यहाँ पर पापा की ड्राइंग बनानी चाहिए और हैप्पी फादर्स डे लिखना चाहिए। इस बात पर गट्टू चिंकी लड़ने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर मम्मी वहाँ आ जाती है। अरे बच्चों, अब क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो? मम्मी, मैं चिंकी के साथ कार्ड नहीं बनाऊंगा, मैं अपना एक अलग कार्ड बनाऊंगा। मम्मी, मुझे भी गट्टू के साथ कार्ड नहीं बनाना है, मैं भी अपना कार्ड अलग बनाऊंगी। अरे बच्चों, तुम लोगों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, तुम दोनों तो कितने समझदार हो ना। अगर तुम दोनों मिलकर एक कार्ड बनाओगे तो सोचो वो कितना ज्यादा सुंदर बनेगा और पापा को भी ये देखकर कितना अच्छा लगेगा कि तुम दोनों ने मिलकर उनके लिए इतना सुंदर कार्ड बनाया है। मम्मी, मैं आपकी बात समझ गया, अब हम दोनों साथ मिलकर ही एक सुंदर सा कार्ड बनाएंगे। हाँ मम्मी। ये सुनकर मम्मी खुश हो जाती है और अपना काम करने चली जाती है। गट्टू, तुम्हें याद है हमने अपनी लास्ट क्राफ्ट क्लास में कितने सुंदर ओरिगेमी फ्लावर्स बनाने सीखे थे? हाँ चिंकी, चलो वही फ्लावर्स बनाते हैं। इतना कहकर दोनों फ्लावर्स बनाने में लग जाते हैं। 2 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली गट्टू चिंकी का कार्ड रेडी हो जाता है। वो दोनों दौड़ कर जाते हैं और मम्मी को किचन से बुला कर लाते हैं। मम्मी चलिए ना हमारे साथ, हमारा कार्ड पूरा हो गया। मम्मी उन दोनों को देखती है और हंसने लगती है क्योंकि गट्टू चिंकी के चेहरे पर ग्लिटर वाटर कलर और यहाँ तक की टेप भी लगा हुआ था। अरे बच्चों, ये कार्ड बनाते बनाते तुम लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है। अरे मम्मी, आप हमें छोड़िए, चलकर हमारा कार्ड देखिए ना। मम्मी उन दोनों के साथ उनके रूम में जाती है और उनके कार्ड को खोलती है। उसके अंदर पापा मम्मी गट्टू और चिंकी की एक ड्राइंग थी और उसके अगल बगल सुंदर हैंडराइटिंग में हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ था। कार्ड के बाहर सुंदर ओरिगेमी फ्लावर्स भी लगे हुए थे। अरे वाह बच्चों, ये कार्ड तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है, अब भूख भी तो लगी होगी ना, आओ जल्दी से आकर खाना खा लो। और हाँ, पहले रूम की सफाई करना। फिर गट्टू और चिंकी साफ सफाई करके खाना खाते हैं और पापा का इंतजार करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही, अरे चिंकी उठो, देखो पापा तो कब के चले गए। दोनों जल्दी से उठकर मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी, क्या पापा चले गए? हाँ, पापा तो सुबह 5 बजे ही चले गए थे। मम्मी, हम दोनों तो पापा को आज अच्छे से विश भी नहीं कर पाए। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है भला, पापा जैसे ही पहुँचेंगे उन्हें तुम्हारा कार्ड दिखेगा
सोचो फिर पापा कितने खुश हो जाएंगे। हाँ चिंकी, मम्मी सही कह रही है, हमें उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है गट्टू। दूसरी तरफ पापा अपना बैग खोलकर देखते हैं। अरे ये क्या, वाह कितना सुंदर कार्ड है ये। फिर पापा तुरंत मम्मी को फोन लगाते हैं। एक्साइटमेंट के कारण गट्टू चिंकी फोन के पास ही बैठे थे। हेलो। हाँ पापा। गट्टू चिंकी, तुम्हारा कार्ड सचमुच बहुत प्यारा है, मुझे बहुत खुशी हुई इसे देखकर। थैंक यू सो मच बच्चों। वेलकम पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारा कार्ड इतना पसंद आया। अरे और उस ड्राइंग के बारे में तो बताइए जो गट्टू और चिंकी ने कार्ड में बनाई है। अरे हाँ हाँ, ये हमारी फैमिली पिक्चर तो सच में बहुत अच्छी है। चलो बच्चों, अब पापा को बाय बोल दो, उन्हें काम भी तो करना है ना, बाकी की बातें शाम को उनके घर आने पर करेंगे। ठीक है मम्मी, बाय बाय पापा। बाय बाय पापा, जल्दी घर आइएगा। शाम को पापा मम्मी को कॉल करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से आइए। शाम को पापा लगभग आधी रात को वापस आते हैं और धीरे से घर का दरवाजा खटखटाते हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा, हमने सारा घर डेकोरेट किया है और आपके लिए केक भी बनाया है पापा। हैप्पी फादर्स डे। पापा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने कितनी ज्यादा मेहनत की मेरे लिए, थैंक यू बच्चों। पापा को इतना खुश देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी तीनों भी खुश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर केक काटने जाते हैं और फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।